एक सच्चा लीडर कौन होता है और आप एक सच्चे लीडर कैसे बन सकते हैं। एक कहावत है कि भेड़ों के एक झुंड का सरदार अगर एक शेर हो तो वो शेरों के उस झुंड को भी हरा सकता है जिसका लीडर एक भेड़ हो। मतलब एक सच्चा लीडर कमजोर से कमजोर टीम को भी जीत दिला सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लीडरशिप कमजोर से कमजोर लोगों को भी अंदर से इतना मजबूत और निडर बना देती है कि वो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। लीडरशिप में वो ताकत होती है कि ये डरपोक से डरपोक इंसान में हिम्मत भर सकती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये लीडरशिप आपके अंदर आएगी कहां से? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, ये बिलीफ सिस्टम ही लीडर्स पैदा करता है। हम सभी जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शेर ना तो जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे तेज दौड़ने वाला है और ना ही सबसे फुर्तीला जानवर है। फिर भी वो जंगल पर राज करता है क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो खुद पर विश्वास करता है, अपने आप को लीडर मानता है, उसके अंदर लीडर्स वाला एटीट्यूड है। ऐसे ही दोस्तों हिटलर एक गरीब परिवार से था, उसकी सेहत और हाइट दोनों ही बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा तानाशाह नेता बना। नेपोलियन, स्टालिन, लिंकन कोई भी आपसे बेहतर स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी वो सब लीडर बने। वजह था उनका एटीट्यूड, उनका बिलीफ सिस्टम। वो खुद को लीडर मानते थे, समस्या देखकर भागने वालों में से नहीं थे बल्कि उस समस्या का सामना करने वालों में से थे। आपने कभी नोटिस किया होगा कि सड़क किनारे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ज्यादातर लोग उसे इग्नोर करके निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एक इंसान मदद के लिए आगे आता है तो वहां भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए कि अब वहां एक लीडर खड़ा हो गया और उसके पीछे पीछे लोग आने लगे। ये एटीट्यूड होता है एक लीडर का। अगर आप भी लीडर बनना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह से आगे आना होगा। जहां आपकी जरूरत हो वहां आपको एक्टिव होना होगा। मुश्किलों को इग्नोर करके आसान रास्ता खोजने की आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि ये आदत आपको कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। जिंदगी में जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक आप एक सच्चे लीडर नहीं बन पाएंगे। एक सच्चा लीडर हमेशा मुश्किलों का डटकर सामना करता है। वो कभी पीठ दिखाकर या किसी और के भरोसे नहीं बैठता, खुद उठता है, आगे बढ़ता है और उस मुसीबत को हराकर सफलता हासिल करता है। किसी ने बहुत सही कहा है, मुसीबतों का सामना करने वाला इंसान कभी नहीं हारता है, या तो वो जीत हासिल करता है या फिर सीख हासिल करता है। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।